तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे दोस्तों, अभी हम क्लैविकुलर ब्रीदिंग या जत्रुक कॉलर बोन के उपयोग से जो श्वसन क्रिया करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत थक जाने पर या जिन्हें श्वास की अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं उनके लिए यह वरदान है। एक स्वाभाविक क्रिया जिसमें कि हम पसली पिंजर का उपयोग अधिक करते हैं श्वास को लेने में, जिसे थोरासिक ब्रीदिंग कहते हैं, यह उसके विस्तार के अंतिम चरण की अवस्था है। इस श्वसन क्रिया में गर्दन, कंठ और स्टर्नम के मसल का उपयोग होता है। तो आइए अब इस अभ्यास पर चलें। बड़ा सरल है, आसान सा है। आप लेटकर भी कर सकते हैं या बैठकर भी कर सकते हैं। हम बैठकर यह बात बताते हैं। सर्वप्रथम आराम से बैठ जाएं। उस समय ध्यान स्वाभाविक श्वसन क्रिया पर और फिर वक्ष के अंदर जो श्वास पहुंच रहा उससे वक्ष के विस्तार को कुछ समय महसूस कर श्वास की क्रिया को चलने देंगे। फिर ध्यान अपने पसली पिंजर के साइड रिब केज के साइड पर लेकर जाएंगे। श्वास के विस्तार की ओर बढ़ेंगे जहां गर्दन के मसल, कंठ के मसल, स्टर्नम के मसल का खून होगा। और श्वास लेने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। श्वास अंदर फिर श्वास बाहर। श्वास अंदर श्वास छोड़ते समय गर्दन के हिस्से पर, कंठ के हिस्से पर, स्टर्नम के मसल का जब रिलीज होता तो अंदर एक विश्राम की स्थिति बनती है। कुछ समय इस तरह व्यतीत करने के उपरांत शरीर के अंदर जो आराम की स्थिति बनी है उसको अनुभव अवश्य करेंगे। वक्षीय श्वसन या थोरासिक ब्रीदिंग या सहज श्वास के संग बन जाएंगे। और अंत में अपने भौतिक शरीर में हुए परिवर्तन को महसूस कर एक गहरा श्वास अंदर ले लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आंखों को खोल लेंगे। इस क्रिया को थकने पर या श्वास की असहजता के समय आप जरूर उपयोग करें। दिवस में 3-4 बार 10-10 श्वास की इस क्रिया को करने से महान लाभ आप तक पहुंचेगा। बस यह याद रहे कि पसलियों के साइड का ध्यान
श्वास करते समय और श्वास के विस्तार के समय जब कंधे को जरा ऊपर उठाते हैं तो गर्दन के हिस्से, कंठ के हिस्से, स्टर्नम के मसल का ध्यान कर लेंगे। श्वास छोड़ के समय उनके रिलीज का ध्यान कर लेंगे। तब एक एक श्वसन में महान आंतरिक परिवर्तन होगा। दस श्वास कोई मामूली बात नहीं है। तो उम्मीद है आज आप इस अभ्यास के संग अपने श्वसन की असहज